इस वाले चौराहे पे तो भाई अलग भाषण मची रहती है। मर्सिडीज है भाई साहब, तभी इतना तेज भगाया पड़ा था, मतलब भगाया नहीं पड़ा था भाई, ये जो लग्जरी कार वाले होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत ये प्यार से चलाते हैं। ऐठन तो 800 वालों को आती है ना, जो ऑल्टो 800 लेके धाए 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 भगाए रहते हैं, है ना। ये देखो ये मर्सिडीज ई क्लास चला रहा है ना, इतने प्यार से चला रहा है ये बंदा, ये वाला बंदा। मतलब इन लोगों को तो डर रहता है ना कि भैया हमारे गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, कोई कुछ ना। असली चर्बी तो भाई इन लोगों को चढ़ती है ना। बैगन आर क्या मतलब, जो ओला उबर वाले जो होते हैं, है ना, ऑटो टेम्पो से उठ के आए होते हैं, वही आदत होती है, है ऐसे वाले हैंडल बार की आदत होती है, लेकिन मिल जाते हैं उन लोगों को स्टेयरिंग व्हील तो करे क्या वो लोग ऑटो में नहीं, ऑटो में जैसे बाइक की टाइप का हैंडल होता है, स्कूटर टाइप का हैंडल होता है ऑटो में, है ना, तो उन लोगों को आदत वही होती है, लेकिन उन लोगों को मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील, है तो करे क्या चलो भाई, ज्यादा इस चीज में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता आप लोगों के पास कुछ और भाई। अगर मेरे बातों से अगर आप लोगों में से किसी को बुरा लगता है ना, तो बुरा मत लगाया करो, है ना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, है ना। मैं तो ध्यान भी नहीं देता ऐसे चीजों पे। भाई क्या गाड़ी लग रही है यार, भाई मैंने ऐसी गाड़ी मैंने पहली बार देखी है, मतलब अपनी जिंदगी में। अच्छा आप लोगों ने सुना सलमान खान ने भी लैंड क्रूजर ले ली तो ये कहीं सलमान खान की तो नहीं थी, है पता नहीं भाई छोड़े यार, उस चीज पे बात नहीं करेंगे। सही है भाई, टोयोटा ना, टोयोटा की जो बाहर जो बेसिकली गाड़ियां आती हैं, मतलब इंडिया से बाहर, है ना, वो भाई अलग लेवल पे हैं। इंडिया में थोड़ी बहुत मतलब वही फॉर्चुनर इनोवा ही है ना, जो ज्यादा बिकती है यहाँ पर, उसके अलावा पता नहीं मुझे, मैंने तो कोई और गाड़ी देखी भी नहीं उसके अलावा, है ना। वही ETS PTS पहले आती थी, लेकिन अब तो पता नहीं शायद आना बंद हो गई क्या। अरे अंकिल स्कूटी खराब हो जाएगी, इतना तेज चला रहे हो। अरे वो देखो एक और न्यूयॉर्कर अभी जा रहा था यहाँ से। इन लोगों को लगता है कि उल्टा चलाने से हम जो है इंडिया से अमेरिका बनी जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है नहीं। अच्छा इस वाले रोड पे ना बेसिकली लोग उल्टा इस वजह से जाते हैं क्योंकि बीच में कहीं पर कट वट है नहीं, है ना, कि जिसको उधर से इधर आना हो या इधर से उधर जाना हो, कोई कट नहीं है भाई बीच में। देखो अब मुझे अब यहाँ इधर से अब उधर जाना है तो यहाँ पर एक ही कट है, वो है ये चौराहा, इसके अलावा भाई साहब कोई भी कट नहीं है, है ना, जिससे मतलब कोई क्रॉस कर पाए। उधर इधर एक पेट्रोल पंप है आगे, है ना, तो बहुत सारे लोगों को पेट्रोल भराने जाना होता है तो लोग उल्टा ही ले चलते हैं कि भैया चलो उल्टा ही चल चलो, पेट्रोल तो बचेगा। जैसे ये देखो ये पुलिस वाला हो कि उल्टा जा रहा है ना, इधर देख रहे हो ना, उसको कंफर्म उसको पेट्रोल भराना होगा वहां पर, है। अब ये इस वाले डिवाइडर में जब कोई कट ही नहीं है तो लोग इधर से उधर जाएंगे कैसे, एटलीस्ट पेट्रोल भराने के लिए तो कट छोड़ देना चाहिए ना। लखनऊ में मतलब बहुत सारी जगह पे पता नहीं क्या दौरा पड़ा था कि जितने भी डिवाइडर है बेसिकली उनको बंद कर दिया गया था, है ना, फॉर नो रीजन एट ऑल, बस बंद कर दिया गया। लोग करे तो करे क्या है, क्योंकि क्या सेंस बनाता है कि भाई इधर से तुम 2 किलोमीटर का पूरा, मतलब इतना आप लोग समझ लो, ये लोहिया पथ का ये जो 2 किलोमीटर वाला जो सेक्शन है ना, इस पूरे सेक्शन में कहीं पे क्रॉसिंग नहीं है, है ना, कि कोई इधर से उधर क्रॉस कर पाए। अगर होती तो लोग उल्टा नहीं जाते और क्या। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये पूरे लखनऊ में कई जगह ऐसा काम किए हैं ये लोग। अब ये देखो ये पेट्रोल पंप है, कोई रास्ता नहीं है कि भाई कोई इस तरफ से उस तरफ निकल जाए, पता नहीं कौन है भाई इनका रोड इंजीनियर, पता नहीं कौन है। चलो छोड़ो हमसे क्या, हमारा तो इधर इतना आना भी नहीं होता, मैं तो उसे वीडियो ही बनाने आता हूँ और कुछ करने भी नहीं आता हूँ मैं। सही है सर, यहाँ का जो है सिग्नल नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर सिग्नल अगर चल रहा होता तो हमें खड़ा होना पड़ता, लेकिन अच्छी बात है सर खड़ा होना नहीं पड़ा हमें। अबे देख, अबे कहाँ जा रहे हो यार, ना मूर्ख होते हैं सब, क्या बताएं। ये देखो ये कहाँ ये उल्टा जाने का प्रयास कर, अब क्या चलता है यार लखनऊ में भाई, कुछ भी चलता रहता है यार। अबे मैं सही बता रहा हूँ, इतने पागल पागल लोग चलते हैं ना कि क्या बताएं। सो देहाती होते हैं, देहात से आके सब बैठ जाते हैं यहाँ पर। सो यस गाइस, आज का जो हमारा हाल है वो हाल यही है कि हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसी वजह से आप लोगों को मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी, है ना, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली है जब तबीयत खराब होती है तो थोड़ा लो लगता है ना। और अगर मैं ब्लॉग अगर नहीं कर रहा होता हूँ तब मैं एकदम चुप रहता हूँ, है ना। अगर कोई अगर मेरे सामने से अगर मूर्खों की तरह अगर कार्ड भी दे, मैं चुप रहता हूँ भाई, एनर्जी सेविंग मोड में रहता हूँ तब, है ना, तब कोई रिस्पांस नहीं देना है सामने वाले को, और मैं देता भी नहीं हूँ। लेकिन जब मोटर ब्लॉक करते तब बात अलग होती है भाई, तब थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। ये देखो ये पीछे बात ही करने में लगा हुआ था, यानी कि रोड पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर ले। अरे भैया उधर देखो, उधर चक्का जाम हो गया है ना, तगड़ा वाला भाई साहब चक्का जाम हो गया इधर। ऐसे ही है भाई, छोटा सा पुल बना दिए मजबूरी में, तो उसके ऊपर
जाम ही हो जाता है और क्या। जाओ बे क्या हॉर्न मार रहे हो यार। अरे भाई मर्सिडीज वाला अभी तक यहीं तक ही पहुंचा है। अच्छा इसकी पुरानी मर्सिडीज थी ये। इधर भीड़ क्यों है? एक्सीडेंट हुआ है क्या पीछे? उधर के साइड में शायद कोई एक्सीडेंट उधर हो गया है ना। मैंने ना तभी उस तरफ इतनी भीड़ है। सोचो एक्सीडेंट उस तरफ हुआ है, रुक रुक के इधर वाले देख रहे हैं। मतलब लोगों को तो देखने का वो रहता है ना कि हाँ भाई ये चलो एक्सीडेंट हुआ है ना, सर्कस लगा होगा, चलो देखने चलते हैं, है ना। मदद हम नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे तो जरूर। कोई मदद कोई करने नहीं आता है, बस देखने आते हैं लोग। अब क्या बताएं भाई। तो गाइस पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है ना, मतलब हमारा घर आ जाएगा। चलो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस वाले ब्लॉग को करता हूँ खत्म, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी वनर्जी है नहीं। हमारी थोड़ी मैं थोड़ा सा मैं सही फील नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब है भाई हमारी। तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी जाते हैं अपने घर पे। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कुछ भी अगर लिखने का बेसिकली मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें जाके लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस बाय बाय, इस वाले ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, मतलब कल। सो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। चलो भाई भगवान की दया से आज ये वाला सिग्नल चल रहा है।